नमस्कार साथियों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स के अंदर और आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे यूपीएससीएसएससी नर्सिंग ऑफिसर के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हाल फिलहाल 1930 पदों पर जो भर्ती निकली है उसके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल एक्सेप्ट निम्न में से कौन सा एक मेथड है जो कि नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल का नहीं है ऑप्शन ए कोइटस इंटरअप्टस ऑप्शन बी वेसेक्टोमी ऑप्शन सी ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑप्शन डी सेफ पीरियड तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर जल्दी से कमेंट करें तो फर्स्ट वन है कोइटस इंटरअप्टस जिसको विड्रोवल मेथड कहते हैं वो भी एक नेचुरल मेथड होता है नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग भी एक नेचुरल मेथड होता है नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी सेफ पीरियड सेफ पीरियड भी आपका एक नेचुरल मेथड माना जाता है, to, हमारा है तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि वेक्टोमी एक परमानेंट मेथड होता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ एम्योटिक फ्लूड इज एम्योटिक फ्लूड का फंक्शन क्या है ऑप्शन ए रेस्पिरेशन ऑप्शन बी एंडोक्राइन फंक्शन ऑप्शन सी न्यूट्रेशन एंड ऑप्शन डी शोक प्रोटेक्शन तो हमारा राइट right आंसर क्या होगा इसके अंदर जल्दी से कमेंट करें तो हमारा ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन एमनियोटिक फ्लूट कभी भी रेस्पिरेशन का काम नहीं करता है ऑप्शन है सेकेंड वन एंडोक्राइन फंक्शन एमनियोटिक फ्लूट एंडोक्राइन का फंक्शन भी नहीं करता है तो ऑप्शन बी भी गलत है नेक्स्ट वन है ऑप्शन सी न्यूट्रिशन फ्लूड कभी भी न्यूट्रिशन का काम भी नहीं करता है तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी शोक प्रोटेक्शन यानी कि एक्सटर्नल जो इंजुरी होगी उसे प्रोटेक्शन का काम करेगा तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ गेस्टेशन व्हेन डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा इज कंप्लीटेड इज यानी कि गेस्टेशन के कौन से वीक के अंदर प्लेसेंटा डेवलप्ड हो जाता है ऑप्शन ए फोर वीक ऑप्शन बी ट्वेंटी वीक ऑप्शन सी ट्वेल्व वीक एंड ऑप्शन डी थर्टी सिक्स वीक तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर जल्दी से कमेंट करें तो हमारा जो प्लेसेंटा है वो डेवलप्ड हो जाता है ट्वेल्व वीक के अंदर तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एस पर डब्ल्यू एच ओ एनीमिया इन प्रेगनेंसी विल डायग्नोसिस इफ द हीमोग्लोबिन लेवल इज यानी कि WHO के के अकॉर्डिंग एक प्रेग्नेंट वुमेन अंदर कितने लेवल का यदि हीमोग्लोबिन होगा तो वो एनीमिया की कंडीशन कहलाएगी ऑप्शन ए 10 ग्राम पर डेसी और लेस ऑप्शन बी 11 ग्राम पर डेसी और लेस ऑप्शन सी 12 ग्राम पर डेसी और लेस एंड ऑप्शन डी 15 ग्राम पर डेसी और लेस तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर जल्दी से कमेंट करें तो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन ए 10 ग्राम पर डेसीलीटर और लेस से यदि हीमोग्लोबिन लेवल कम जाता है तो उसको एनीमिया की कंडीशन कहते हैं प्रेग्नेंट वुमन के अंदर तो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन ए द फॉलोइंग वैक्सीन इफ कैन कॉज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी कि ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसके साइड इफेक्ट से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है ऑप्शन ए डीपीटी वैक्सीन ऑप्शन बी मिजल्स वैक्सीन ऑप्शन सी हेपेटाइटिस वैक्सीन एंड ऑप्शन डी ओपीवी वैक्सीन तो हमारा राइट right आंसर क्या होगा इसके अंदर जल्दी से कमेंट करें तो हमारा राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी मिजल्स वैक्सीन मिजल्स वैक्सीन के थ्रू क्या होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है यानी कि मिजल्स वैक्सीन के साइड इफेक्ट से या फिर कंटामिनेटेड होने से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉटल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि निम्न में से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो कि प्राइमरी प्रिवेंशन का नहीं है ऑप्शन ए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑप्शन बी स्मोकिंग सजेशन ऑप्शन सी बीसीजी वैक्सीनेशन एंड ऑप्शन डी विटामिन ए सप्लीमेंटेशन तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर जल्दी से कमेंट करें तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर नहीं आता है तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिजीज विच आर द ट्रांसमिटेड बाय वॉटर एंड फूड आर कॉल्ड एस यानी कि ऐसी डिजीज जो कि वाटर के थ्रू और फूड के थ्रू फैलती है तो उसको क्या कहते हैं ऑप्शन ए एयरबोन ऑप्शन बी फोमिट बोर्न ऑप्शन सी फैक्टर बोन एंड ऑप्शन डी वेकल बोन तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर जल्दी से कमेंट करें तो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन डी वेकल बोन वेकल बोन के अंदर क्या होगा फूड एंड वाटर के थ्रू क्या होगा डिजीज ट्रांसमिट होती है तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द स्कीम प्रोग्राम प्लान लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इमेज के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है लोगो वो किसका है ऑप्शन ए मिशन इंद्र धनुष ऑप्शन बी कंगारू मदर केयर ऑप्शन सी इंडिया न्यू बोर्न एक्शन प्लान एंड ऑप्शन डी आर प्रोग्राम तो हमारा राइट right आंसर क्या होगा इसके अंदर जल्दी से कमेंट करें तो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन सी इंडिया न्यू बोर्न एक्शन प्लान जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है वो किसका है इंडिया न्यू बोर्न एक्शन प्लान का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई सिंबल शो इन इमेज इमेज के अंदर जो सिंबल शो हो रहा है वो किसका है ऑप्शन ए एमडीटी ऑप्शन बी डोट्स ऑप्शन सी एंटी मलेरिया थेरेपी एंड ऑप्शन डी एआरटी तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर जल्दी से कमेंट करें तो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन बी डोट्स थेरेपी तो इमेज के अंदर जो सेंबल दिखाई दे रहा है वो किसका है डोट्स थेरेपी का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस शो इन इमेज इमेज के अंदर कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन ए क्रॉपर्टी सेवन ऑप्शन बी क्रॉपर्टी टू हंड्रेड ट्वेंटी बी ऑप्शन सी कॉपर्टी थ्री हंड्रेड एटी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ देश तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर जल्दी से कमेंट करें तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी कॉपर्टी तीन सौ अस्सी ए जो कि 10 साल के लिए प्रिवेंशन का काम करती है यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव 10 साल के लिए इफेक्टिव होता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस शो इन द इमेज इमेज के अंदर कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव शो हो रहा है ऑप्शन ए कॉन्ट्रासेप्टिव पैच ऑप्शन बी सर्वाइकल कैप ऑप्शन सी वेजाइनल ऑप्शन डी वेजाइनल रिंग तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर जल्दी से कमेंट करें तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी वेजाइनल रिंग जैसा कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं ये होती है हमारी वेजैनल रिंग नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैग्नीशियम सल्फेट इज एडमिस्टर्ड इन द प्रेग्नेंट वुमन विद प्री एक्शिया टू यानी कि एक वाले प्रेग्नेंट वुमन के अंदर प्रमशियां करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट तो वो क्या करती है ऑप्शन ए प्रिवेंट कन्वर्शन ऑप्शन बी रेड्यूस पीपीएच यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज ऑप्शन सी रेड्यूस ब्लड प्रेशर ऑप्शन डी रेड्यूस वॉमिटिंग तो हमारा राइट right आंसर क्या होगा इसके अंदर जल्दी से कमेंट करें तो हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन ए प्रिवेंट द कन्वर्शन यानी कि एक प्रेग्नेंट वुमन के अंदर हो रहा है तो उसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट देंगे तो वो क्या करेगा प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्शन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑप्शन ए क्योर डिजीज ऑप्शन बी डायग्नोसिस डिजीज ऑप्शन सी डिजीज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर जल्दी से कमेंट करें तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव यानी कि एक ड्रग क्या करेगी क्योर का काम भी करेगी सेकेंड वन है डायग्नोसिस डायग्नोसिस कैसे जैसे कि आप मोन्टेक्स टेस्ट करते हैं उसी तरीके से आपके डायग्नोसिस का काम करती है ऑप्शन सी प्रिवेंट डिजीज वो डिजीज से प्रिवेंट का काम करती है तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू